एक फ्रेज को इनको बुचर बताया और इनको यानी कि नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। अब बुचर और सर्जन में क्या डिफरेंस है, अब आप ये समझिए। एक तरीके से इनको कसाई बताया और नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया, दोनों ही काटते पीटते हैं, दोनों का ही काम है एक तरीके से बदन को काट देना पूरा एक तरीके से, तो ये लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना। कसाई अलग तरीके से काटता है, सर्जन एक अलग तरीके से, करीने से एकदम तरीके से। तो ये डिफरेंस है इनमें और नीरज चोपड़ा में। अब मैं आपको बताता हूं कि चीजें कैसे बदलती हैं। देखिए, ये पुरुष जैवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नदीम पांचवें स्थान पर रहे थे, ठीक है, तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 84.62। अब उसके बाद 3 साल के अंदर नदीम 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं 84 और 8 92 और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर इन्होंने अपने आप को और बढ़ाया है। इस हिसाब से तो ये अगर इस बार 93 तक पहुंचे हैं, अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, वो तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ऐसा कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूं। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जीता था, नंबर 1 पर थे, लेकिन तब इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था, 87.58, और तब से लेकर अब तक 3 साल में यानी कि इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 फेंका है, यानी कि डिफरेंस देखिए 87.58 से 89 तक ही पहुंच पाए बीते 3 साल में, यानी कि लगभग सिर्फ 2 मीटर, ओनली 2 मीटर्स। कहां नदीम 8 मीटर आगे बढ़ गए, उन्होंने 8 मीटर तक का फासला तय कर लिया, अपने आप को 8 मीटर और आगे ले गए, और कहां नीरज सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ही हासिल कर पाए 4 साल में। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है, बेईमानी से इनको हराया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। कैसे टेक्निकलिटीज में भी नदीम नीरज से ऊपर है यह भी समझते हैं। 92.97 मीटर का थ्रो पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो था, इस पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो, इसी थ्रो ने नदीम को गोल्ड मेडल जिताया। दूसरे नंबर का भी जो सबसे बड़ा थ्रो था ना, वो भी नदीम का ही नाम था, यानी कि अगर ऐसा हो ना कि दूरी के हिसाब से मेडल दिए जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नदीम को जाता, फिर हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्ज तक सीमित रह जाते। नदीम ने 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का था, जो कि सेकंड बेस्ट था, पहला वाला तो लगभग 93 मीटर का था। अब भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो से सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक नहीं फेंक पाए थ्रो, वहीं नदीम ने 2 बार 90 मीटर के ऊपर का थ्रो फेंक दिया। अब बताइए, उनकी तो ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं होती है। नदीम एक गांव से आते हैं, एक ऐसे मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, घास भी नहीं होती है जहां पर, वो जो आपके घर के आसपास मैदान होते नहीं है, लवारिस मैदान, कोई देख रेख नहीं करता, वैसे मैदान से प्रैक्टिस शुरू की थी। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा थे, पूरा सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होता है, बड़े बड़े आपको एक्सपर्ट्स दिए जाते हैं, पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, बढ़िया जिमिंग होती है, पूरी स्ट्रेंथ पर काम होता है, टेक्निकली आपको बहुत साउंड किया जाता है, बहुत पैसा सरकार खर्च करती है, उसके बावजूद नीरज सिर्फ 2 मीटर बढ़ पाए बीते 4 साल में और नदीम 8 मीटर बढ़ गए, ये कैसे, इस पर ही बात करते हैं। अब नदीम ने कैसे फेंका ये लगभग नामुमकिन सा थ्रो, इस पर बात करते हैं। नदीम ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो फेंका है, 110, क्योंकि रफ्तार का, स्ट्रेंथ का, बाजुओं का, बाइसेप्स का, बैक का, इन सब का रोल होता है, जितनी दूर आपका थ्रो जाएगा यही चीजें तय करती है कि कितनी दूर आप थ्रो फेंक पाएंगे। तो इनके हाथ से जब वो भाला निकला है तो उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके अलावा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप, मैं ऐसे साइड में हूं, मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है वो कम दूरी तक जाएगी, वहीं गिर जाएगी, लेकिन मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा एक परफेक्ट एंगल के साथ तो वो आर्क बनाते हुए और दूर जाएगी। तो और ये जितनी तेजी से फेंका जाएगा, एंगल प्लस पावर ये तय करता है कि आपका भाला कितनी दूर जाएगा। तो पावर तो इन्होंने 110 किलोमीटर की दे दी, एंगल क्या था 31.76 डिग्री, यानी कि लगभग ऐसे मान लीजिए आप ये आर्क बनाते हुए इन्होंने भाला फेंका था। नदीम की विशाल अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है ना, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ जहां से आप भाला फेंकते हैं, पूरी अपर बॉडी आ जाती है इसमें, वो रफ्तार पैदा करने में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मदद करती है। नदीम की इसके अलावा जो हाइट है ना,
वो भी और ज्यादा आपको दूरी हासिल करने में मदद देती है। नर्दीन की 6'3" हाइट है, यानी कि 6'3" है, नेचुरल आर्क बनाने में ये हाइट जो है मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए कोई इतना छोटा लड़का है, एक इतना बड़ा है, छोटे रहे लड़के ने भी सेम पावर से और सेम एंगल से कुछ फेंका और इस एक लड़का लंबा है जिसने यहां से फेंका, तो जो ये आर्क बनेगा ये बड़ा आर्क बनेगा और जो छोटा वाला है वो कम आर्क बनेगा। तो हाइट का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा पैदा कर देता है और वही तय करता है कि आपका थ्रो कितनी दूर जाएगा। तो हुआ क्या कि इनकी हाइट लंबी है, ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल यहां से आए इस तरीके से स्ट्रेंथ लेते हुए खूब तेजी से दौड़ते हुए और यहां पर देखिए ये पूरी जान लगा दी है यहां से और ये एंगल इनके देखिए ये एंगल है और यही जो मैंने एंगल बताया 31 का, यहां से ऐसे करते हुए फिर ये लगभग 93 मीटर पहुंच गया। अभी जो हाइट है ना इससे और ज्यादा दूरी तक नदीम का थ्रो जाता है और इसी वजह से नदीम 92.97 तक पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ नीरज आ जाते हैं, नीरज की लंबाई नदीम से कम है, नीरज 6'1" के हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीरज की अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी नदीम से कम है। अब इस पर तो काम करना पड़ेगा, अपर बॉडी स्ट्रेंथ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं अपने आप को, लेकिन हर शरीर की एक लिमिट होती है, वहीं तक आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो उसके मुताबिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक नदीम की जो अपर बॉडी है विशालकाय भी हैं, इनसे ज्यादा बाइसेप्स भी हैं, इनसे ज्यादा छाती भी है, बड़े हैं, हाइट भी लंबी है, तो जाहिर सी बात है उनका अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नीरज ने 108 किलोमीटर, उन्होंने 110 से फेंका था, इनके हाथ से निकला है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाला। ये जो 2-3 मीटर का फासला रह गया ना इसी वजह से रह गया, प्लस इनकी हाइट भी कम है। कम स्ट्रेंथ, कम हाइट और कम रफ्तार की वजह से नीरज का जो जेवलिन है वो 89.45 मीटर तक ही पहुंच पाया, यानी कि मान लीजिए 93 यहां है, इनका 89 पहुंचा, बहुत क्लोज था, हालांकि इनके हिसाब से तो बहुत बड़ा था, कहां 93 कहां 89, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वो हल्की सी रफ्तार और हो जाती तो शायद ये भी पार हो जाता। अब नीरज को ये भी डर था कि अब उनकी जो ग्रोइन इंजरी है ना वो फिर से होने का भी एक डर था, बहुत ज्यादा अंधाधुंध मेहनत नहीं लगा सकते, उस पावर नहीं लगा सकते, अब पूरी जान नहीं झोंक सकते अचानक से, क्योंकि आपको अगर वो जो ग्रोइन इंजरी है ना जो इनको हुई थी, मैं आपको बता दूं नीरज जरूरत से ज्यादा अगर जोर लगाते तो पुरानी चोट फिर उभर आती, क्योंकि 2017 में नीरज ग्रोइन इंजरी का शिकार हुए थे, उससे इनको वापस आने में बहुत टाइम लगा था। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि थोड़ा ग्रोइन इंजरी का भी एक डर था और मेरी कोशिश थी कि मुझे भरोसा था कि मैं वो 90 मीटर का पार कर लूंगा, लेकिन आज तक नीरज 90 मीटर नहीं छू पाए हैं, तो इस पर इनको काम करना पड़ेगा, जैसे कि अर्शद ने काम किया, अर्शद ने 84 से लगभग 93 तक का सफर तय कर लिया। अगर ये भी अपना 8 मीटर बढ़ा लेते, 5 मीटर बढ़ा लेते तो ये गोल्ड मेडल जीत जाते। खैर, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, यही इसी ने तय किया कि नीरज एक तरीके से हार गए क्योंकि सेकंड नंबर पर आए और नदीम जीत गए। नदीम ने मेहनत भी बहुत की है और उनके जो शारीरिक जो संरचना है वो इनसे ज्यादा थोड़े बेहतर बनी है, हाइट भी अच्छी है, तो जैवलिन के लिए जो जो चाहिए वो नदीम के पास है। तो इनके पास भी हाइट इनकी कम नहीं है 6'1", लेकिन अब इनको थोड़ा स्ट्रेंथ पर और ज्यादा काम